ओके हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो थोड़ा सा क्लास डिले हो गया है, और क्लास डिले होने का कारण ये है कि मैं चाहता था कि आपके लिए क्लास थोड़ी सी और इंटरैक्टिव फॉर्म में लेकर आऊं, तो उसी सब मेहनत में जो है थोड़ा सा क्लास डिले हो गया है। लेकिन अब हम तैयार हो चुके हैं बिल्कुल, तो फटाफट से क्लास शुरू करेंगे। साउंड और ऑडियो वीडियो सबको क्लियर है तो हम क्लास को आगे लेकर चलें, ठीक है। एग्रोनॉमी का पार्ट वन हमने देखा था, आज एग्रोनॉमी से रिलेटेड और चीजें पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती हैं और एग्जाम में आपसे पूछी जाती हैं। चलिए, तो सब लोग आ चुके हैं। किसी को कोई इशू है, कोई डाउट है तो फटाफट से पूछो, नहीं तो फिर आगे क्लास कंटिन्यू करते हैं। कल की क्लास में से किसी को कोई डाउट है तो बोलो। ओके पीयूष, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून निलेश। रवि, क्लास स्टार्ट हो चुकी है बिल्कुल। वैशाली, हेलो, कैसी हैं आप बताइए। किसी को कोई डाउट है तो जल्दी से बोलिए। एग्रोनॉमी, ठीक है, एग्रोनॉमी हम लोग कर रहे थे तो उसी को कंटिन्यू करेंगे। और जैसे कि आप सब जानते हैं, मैंने आपसे वादा किया था कि एआरडी आपको पूरा जो है कॉम्प्रिहेंसिवली कराने की कोशिश करेंगे। और पहले भी आपको एक बात बताई थी कि पढ़ना हमने एग्जाम के हिसाब से है, ठीक है। एग्रीकल्चर में पीएचडी नहीं करना, एग्जाम के हिसाब से पढ़ना, और एग्जाम के लिए जो जो चीजें इंपॉर्टेंट रहती हैं उसी वे में उसी तरीके से हम यहां पर कंटिन्यू करेंगे। चलिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को, किसी को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, फटाफट से बता दो। हां जी बताइए, किसी को किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो चले फिर शुरू करें, और बीच बीच में मुझसे बातें करते रहा करो, नहीं तो जो है थोड़ी क्लास डल हो जाती है, ठीक है। चलिए, तो एग्रोनॉमी कंटिन्यू करेंगे, और सबसे पहले हम शुरू करते हैं आज का जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है। अब इसका आंसर आप लोग पहले देने की कोशिश करो। मोस्ट वाइडली यूज मटेरियल फॉर करेक्टिंग सॉइल एसिडिटी इज, सबसे वाइडली यूज मटेरियल सॉइल एसिडिटी, ठीक है। अब आपका सॉइल में अगर एसिडिटी बढ़ जाती है, पीएच स्केल होता है ना, आप सब जानते हो पीएच स्केल, ठीक है। पीएच स्केल पे हम एसिडिटी और बेसिक जो है कंटेंट की वो मेजर कर पाते हैं। तो ये स्केल आपका 1 to 14 पे होता है, 1 to 6 जो है वो आपका जो है एसिड कंटेंट को शो करता है। अगर पीएच लेवल पे वो 7 है, पीएच स्केल पे अगर 7 शो कर रहा है तो मतलब कि वो न्यूट्रल है, और 7 to 14 जो है वो आपका बेस चलता है, ठीक है। तो पीएच अगर एसिड है सॉइल में, अगर सॉइल ज्यादा एसिडिक है तो वहां पर क्रॉप प्रोडक्शन जो है इजीली नहीं हो सकती, क्रॉप्स के लिए वो हानिकारक हो सकता है। तो उसको किस मटीरियल से हम ठीक करते हैं बच्चों, तो बेसिकली उसमें हम जो है, जैसे आप देख रहे हैं कि फार्मर जो है कंटिन्यूअसली इन मटेरियल्स का यूज करते हैं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। हम एक फिनोमिनन पढ़ते हैं एसिड रेन का, ठीक है, एसिड रेन का ये भी पार्ट प्ले करती है क्रॉप की एसिडिटी बढ़ाने में, ठीक है, जिसकी वजह से जो है प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसी वजह से एसिड को कंटेंट कम करने के लिए फार्मर्स इस तरह के प्रोडक्ट का यूज करते हैं। तो वो बेसिकली क्या होता है आपका, वो बेसिकली होता है आपका लाइम। कौन सा मटेरियल होता है बच्चों, लाइम। तो लाइम मटेरियल हम यूज करते हैं बेसिक जो एसिडिटी है उसको कम करने के लिए, ठीक है। एसिडिटी को कम करने के लिए क्या यूज किया जाता है, लाइम यूज किया जाता है, जैसे कि जिप्सम, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये सब जो चीजें हैं ये आपको हेल्प करती हैं एसिडिटी रिड्यूस करने में। क्लियर है ये वाला क्वेश्चन, क्लियर है। अगर पूछ लिया जाए कई बार इस तरह के बहुत सिंपल क्वेश्चंस जो हैं आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको वहां पर ये लेकर नहीं चलना कि इतना सिंपल सवाल नहीं आएगा। ये सवाल जो है सिंपल है, ठीक है, सवाल सिंपल है, पर कई बार पेपर में कंफ्यूजिंग हो जाता है, क्योंकि हमने बेसिकली टेक्स्ट बुक्स में जिप्सम के बारे में ही पढ़ा होता है सिर्फ, ठीक है। लेकिन लाइम भी जो है आपका यूज किया जाता है। क्लियर, यहां पे इस सवाल में किसी को कोई डाउट है तो बोलिए। इस सवाल में किसी को कोई डाउट है क्या, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो अगर हम बात करें बच्चों लाइम की, तो लाइम जो है आपका, एक सेकेंड, ओके तो लाइम की अगर मैं बात करूं, लाइम जो है ये न्यूट्रलाइज कर देगा आपकी एसिडिटी को बाय डिसॉल्विंग, ठीक है, जो एसिड होता है उसमें डिसॉल्व हो जाता है लाइम में, ठीक है, और वेयर अपॉन इट रिलीजेस अ बेस इनटू द सॉइल। अब एसिडिटी को कम करना है तो आपको बेस जो है वो बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। बेसिक मटेरियल, एसिडिक मटेरियल, वो सब आप समझते हैं। जैसे अगर आपको पेट में एसिडिटी हो जाती है तो आप इनो लेते हो, तो इनो इज बेसिकली व्हाट, इनो इज अ बेस, ठीक है। जो आप इनो लेते हो, जो इनो कंज्यूम करते हो, दैट इज व्हाट, दैट इज अ बेस, ओके। तो लाइम जो है वो सॉइल में डिसॉल्व होने के बाद बेसिक मटेरियल को रिलीज करेगा, जिसकी वजह से एसिडिक कंपोनेंट जो है कम हो जाएगा, ठीक है। और सॉइल पीएच, जैसे आपका पीएच स्केल मैंने आपको ऑलरेडी बताया, सॉइल पीएच जो है वो बताता है कि सॉइल कितना एसिडिक है, कितना बेसिक है और कितना न्यूट्रल है। क्लियर, यहां पर किसी को कोई डाउट है।
सुरेंद्र, रिजल्ट अभी आने में टाइम रहेगा तो आप उसकी चिंता मत करो, आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करो, जितना लेट रिजल्ट आएगा उतना लेट आपका पेपर होगा, उतना आपको ज्यादा टाइम मिल जाएगा, ठीक है? आपको टाइम मिलेगा तो वो भी आपके लिए ही अच्छा होगा, मैक्सिमम प्रिपेयर आप कर सकते हो फिर उस केस में, ओके? तो किसी को यहां तक कोई डाउट है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डीआरआर कल्टीवेशन मेथड इज फॉलोड इन, ठीक है, ये एक पर्टिकुलर कल्टीवेशन मेथड है। तो आपसे पूछा गया है कि ये किन क्रॉप्स की जो है पर्टिकुलर कल्टीवेशन में यूज किया जाता है, उन क्रॉप्स की यहां पर मैंने आपको इमेज नीचे दे दी है, ठीक है? अब आप उसको अगर इंग्लिश में मैं बात करूं, इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज में उन पर्टिकुलर क्रॉप्स को क्या बोलते हैं, ठीक है? इंग्लिश लैंग्वेज में उन पर्टिकुलर क्रॉप्स को क्या बोलते हैं? तो कोई इसका आंसर देना चाहेगा? कोई इसका आंसर देना चाहेगा तो जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। डियारा कल्टीवेशन मेथड इज फॉलोड इन, ये पर्टिकुलर जो कल्टीवेशन मेथड है ये कौन सी क्रॉप्स की कल्टीवेशन में यूज किया जाता है, कौन सी क्रॉप्स की कल्टीवेशन में इस मेथड को यूज किया जाता है, बताइए जल्दी से। चलिए बोलिए, कोई देगा इसका जवाब? ट्राई कीजिए। ओके, जवाब नहीं दे रहे हैं आप लोग, अगर नहीं आता तो नो ही बोल दो। चलो तो इसका आंसर क्या रहेगा बच्चों? इसका आंसर है आपका जो ये पर्टिकुलर कल्टीवेशन मेथड है दैट इज यूज्ड इन द कल्टीवेशन ऑफ क्यूकरबिट्स, ठीक है? जैसे आपका पंपकिन हो गया, कद्दू या गॉड, लोकी, इन तरह की जो क्रॉप्स होती है इनको क्या बोला जाता है? क्यूकरबिट्स। तो इनकी कल्टीवेशन में ये डायरा कल्टीवेशन मेथड जो है यूज किया जाता है। एआरडी जो है वो जनरल सेक्शन में ही है, जो जनरल पोस्ट वाला एग्जाम है उसी में एआरडी के आपका जो है कंपोनेंट रहता है, तो हां ये उसी के लिए है। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही मेघम भी। चलिए ओके, तो उसके बाद अगर हम बात करें बच्चों कि ये डियारा लैंड फार्मिंग होता क्या है, इसको रिवर बेड कल्टीवेशन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रिवर बेड कल्टीवेशन भी बोला जाता है, और ये काफी पुरानी प्रैक्टिस है, ये कोई नया मेथड नहीं है, मुगल्स के टाइम पर भी इसको प्रैक्टिस किया जाता था। और ये बेसिकली होता क्या है, जैसे आपकी जो वेजिटेबल्स हैं जैसे पंपकिन, लौकी, अभी हमने देखा एग्जाम्पल में, तो ये जो पर्टिकुलर वेजिटेबल्स हैं ये रिवर बैंक पर इनको ग्रो किया जाता है। अब होता क्या है, जब मानसून में फ्लडिंग हो गई, ठीक है, मानसून में क्या होता है, मानसून सीजन में जब रिवर्स होती हैं वो अपने बैंक को एक्सपैंड करके फ्लड आ जाते हैं ना नदियों में, तो वो फ्लड आने के बाद जब रिवर मानसून खत्म होने के बाद वापस जो है रिसीड करता है, ठीक है, वापस रिसीड करता है, यानी कि जब अपने ओरिजिनल लेवल पर रिवर्स आ जाती हैं तो जो एरिया में पहले फ्लडिंग हुई थी वहां पर अब फर्टाइल सॉइल आ जाता है, क्योंकि रिवर्स ने जब फ्लडिंग की तो अपने साथ फर्टाइल सॉइल लेकर आया, तो उस रीजन में उन बैंक्स के ऊपर जो है ये कल्टीवेशन जो है प्रैक्टिस की जाती है, ठीक है? एंड दिस इज नोन एज डियारा लैंड फार्मिंग और रिवर बेड कल्टीवेशन, इसको रिवर बेड कल्टीवेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिवर बेड कल्टीवेशन। तो आपसे रिवर बेड कल्टीवेशन के बारे में भी पूछा जा सकता है, तो रिवर बेड कल्टीवेशन अगर आपको दे दिया जाए तो आपको अब रिवर बेड कल्टीवेशन भी पता चल गया कि क्या होता है, और मेनली जो है रिवर बेड कल्टीवेशन आपकी वेजिटेबल्स के लिए यूज होती है, ठीक है? किसी को कोई डाउट है इसमें, जो अभी हमने पढ़ा इतने में किसी को कोई डाउट है तो बताओ, बोलो, किसी को यहां पर कोई डाउट है तो अभी तक? हां जी, कोई डाउट है किसी को यहां तक? चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट, प्रेजेंटली साउथ एशियन कंट्रीज में ये वेजिटेबल्स ग्रो की जाती हैं रिवर बेड्स के ऊपर, ठीक है? और जिसको ये जो पर्टिकुलर लैंड होता है जहां पर ये कल्टीवेशन होती है उसको डियारा लैंड भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट, अब आपके सामने आ गया कि सी एन रेशियो, यानी कि कार्बन नाइट्रोजन रेशियो ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज, जो आपका ऑर्गेनिक मैटर होता है उसमें कार्बन कितना परसेंट होता है और नाइट्रोजन कितना परसेंट होता है, जो आपका ऑर्गेनिक मैटर होता है उसमें कार्बन कितना परसेंट होता है और नाइट्रोजन परसेंटेज क्या होता है, तो 10:1 में होता है, ठीक है? 10:1 में जो है मतलब कि 10 हिस्से कार्बन के और एक हिस्सा नाइट्रोजन का होता है, तो बिल्कुल फैक्चुअल सा सवाल है, आपको याद होना चाहिए, ठीक है? जो भी आपका ऑर्गेनिक मटेरियल है या ऑर्गेनिक सॉइल है जो आप यूज कर रहे हैं तो उसमें 10 हिस्से कार्बन के होते हैं और एक हिस्सा नाइट्रोजन का होता है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट, आपसे बिल्कुल फैक्चुअल सवाल है और यह सवाल मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप इसका आंसर देंगे। नेशनल सीड एक्ट वॉज पास्ड इन, कौन से साल में आपका नेशनल सीड एक्ट पास किया गया था, बताइए कौन से साल में नेशनल सीड एक्ट पास किया गया था? नेशनल सीड एक्ट कौन से साल में पास किया गया था? आई एक्सपेक्ट कि आप इसका आंसर दे पाएंगे। चलिए दीजिए आंसर, ट्राई कीजिए आंसर देने का। नेशनल सीड एक्ट कौन से साल में पास किया गया था?
ये सारे जो हम सवाल देख रहे हैं ये आपके एआरडी सेक्शन से ही हैं और एमसीक्यू की फॉर्म में यहां पर जानबूझकर नहीं दिया गया है। चलिए 1963 कह रहे हैं तेजपाल, तो देख लेते हैं 1963 इसका आंसर नहीं है तेजपाल, इसका आंसर है आपका 1966 में जो है पार्लियामेंट ने आपकी नेशनल सीड एक्ट पास किया था। और अगर आप कुछ फीचर्स देखें, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स देखें आप नेशनल सीड एक्ट के, तो इट वॉज इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट फॉर द होल ऑफ इंडिया, ठीक है, पूरे हिंदुस्तान के लिए इसको पास किया गया था। और मेन काम क्या था कि सीड्स जो आपके सीड जो आप बोते हो, जो बीज बोते हो खेतों में, उनको रेगुलेट करने के लिए किया गया था। और इस पर्टिकुलर एक्ट ने एक सेंट्रल सीड लेबोरेटरी बना दी, ठीक है, सेंटर में नेशनल लेवल पर। और इसने यह भी बोल दिया कि हर स्टेट में भी एक स्टेट सीड लेबोरेटरी बनाई जाएगी। एक तो सेंट्रल लेवल पर हो गई, सेंटर की, एक स्टेट लेवल पर हो गई, ठीक है। उसके बाद इसका मेन काम क्या था, रेगुलेटिंग ऑफ सेल ऑफ सीड्स ऑफ नोटिफाइड वेराइटीज, जो सरकार जिन सीड्स को सर्टिफाई कर देती है उनकी सेल को रेगुलेट करेगी, ठीक है, कि प्रॉपरली सारे किसानों तक वो सीड्स पहुंच पा रहे हैं या नहीं पहुंच पा रहे हैं, ब्लैक मार्केटिंग तो नहीं हो रही, उनकी लेबलिंग का काम करेगी, ठीक है, ये देखेगी कि कहीं नकली सीड्स तो नहीं जा रहे मार्केट में, ओके। उसके बाद एक सीड एनालिस्ट को अपॉइंट करेगी सीड की टेस्टिंग के लिए, जो वेरियस सीड्स, जो नए सीड्स बन रहे हैं या जो पुराने सीड्स भी हैं उनकी टेस्टिंग के लिए एक सीड एनालिस्ट को जो है अपॉइंट किया जाएगा। और इस एक्ट ने पेनल्टी और पनिशमेंट का भी जो है प्रोविजन रखा कि अगर आप इस एक्ट के प्रोविजंस के अगेंस्ट कुछ करेंगे तो उसमें आपको पनिशमेंट का जो है वो भी इसमें प्रोविजन दिया गया है, ठीक है। तो ये आपके नेशनल सीड एक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। क्लियर है यहां तक? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, ओके बताओ, किसी को कोई यहां तक कोई डाउट है तो, और सेशन को शेयर कर दो प्लीज एक बार, अगर किसी को डाउट नहीं है तो सेशन को शेयर कर दो, बताइए। बोलिए, चलें फिर आगे, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नेशनल सीड कॉरपोरेशन एनएससी ये कब बना, ये कौन से ईयर में एस्टैब्लिश किया गया आपका नेशनल सीड कॉरपोरेशन, बताइए। अगेन बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, लेकिन इस तरह के, क्योंकि एग्रीकल्चर वाले पार्ट में आपसे एग्रीकल्चर रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पूछी जा सकती है, एग्रीकल्चर रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन से आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बताइए नेशनल सीड कॉरपोरेशन कब बना था, नेशनल सीड कॉरपोरेशन कब बना था? हां जी, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नहीं होंगे, जो आपका इंग्लिश का पेपर है वही डिस्क्रिप्टिव रहता है, बाकी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे सुरेंद्र। चलिए तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या है बच्चों, इसका आंसर है आपका नेशनल सीड कॉरपोरेशन आपका 1963 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी, नेशनल सीड एक्ट आने के 3 साल पहले। और अगर हम बात करें नेशनल सीड कॉरपोरेशन से रिलेटेड अब, तो ये शेड्यूल बी मिनी रत्ना कैटेगरी 1 कंपनी है, ठीक है, एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, यानी कि सरकारी कंपनी है और इसको मिनी रत्ना स्टेटस मिला हुआ है, ठीक है। सरकार जो है अपनी कंपनियों को स्टेटसेस देती है, किसी को मिनी रत्ना, किसी को महारत्ना, इस तरह से स्टेटस दिए जाते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर टर्नओवर, ठीक है, कि इनका टर्नओवर क्या है या इनकी जो है वैल्यू क्या है, उस वैल्यू के हिसाब से इनको रत्ना स्टेटस मिलते हैं। और जो आपकी ये पर्टिकुलर नेशनल सीड कॉरपोरेशन है जो एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, इसको आपका मिनी रत्न का स्टेटस जो है वो मिला हुआ है। और ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है, ये डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉरपोरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर, जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर एक डिपार्टमेंट है उसमें आती है, ठीक है। तो यहां पर एक और सवाल आपसे पूछा जा सकता है इस वे में, कि आपसे पूछ लेंगे कि ये नेशनल सीड कॉरपोरेशन जो है ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, कि भैया नेशनल सीड कॉरपोरेशन कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, तो आप सीधा सीधा बोल दोगे कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर आता है। अब कंफ्यूज कैसे करेगा एग्जामिनर, एग्जामिनर एक बड़ी सी स्टेटमेंट दे देगा, क्योंकि आपके पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं एग्जाम में, तो एग्जामिनर बड़ी सी स्टेटमेंट दे देगा कि नेशनल सीड कॉरपोरेशन अमिनी रत्ना पब्लिक लिमिटेड कंपनी कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री। तो जब आप ये पढ़ोगे ना कि पब्लिक लिमिटेड मिनी रत्ना कंपनी, तो कहीं ना कहीं आपका दिमाग जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स या मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की तरफ चला जाएगा, कि भाई एक मिनी रत्ना कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, इस तरह के वर्ड लिखे हैं। तो लेकिन आपने वहां पर कंफ्यूज नहीं होना, आंसर जो है इसका यही रहेगा कि ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर आती है। किसके अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर, ठीक है। क्लियर है सब बच्चों को यहां तक? किसी को कोई डाउट है तो जल्दी से पूछ लो, डाउट्स हम लेते चलेंगे साथ साथ।
ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम आए तो उसको साथ साथ क्लैरिफाई कर दें, और घबराना नहीं है बिल्कुल भी किसी ने डाउट पूछते हुए। बताइए डाउट है किसी को कोई? बोलिए। और पीडीएफ के लिए नीचे एआरडी वाला एक जो आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है, नबार्ड एआरडी के लिए आपका एक कोर्स जो ये फ्री कोर्स चल रहा है, तो पीडीएफ मिल जाएगा, उस डिस्क्रिप्शन पर जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज और इंग्लिश का पेड कोर्स है, वो भी आप ले सकते हैं। दोनों को अलग अलग भी ले सकते हैं, अगर कोई इंग्लिश का लेना चाहता है सिर्फ, या कोई सिर्फ आपका इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज का लेना चाहता है, या आप दोनों का कॉम्बो भी ले सकते हैं। चलिए तो सब ठीक है, चले आगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है रूट प्रमोटिंग हॉर्मोन्स। ठीक है, रूट प्रमोटिंग हॉर्मोन्स क्या होते हैं? कि रूट्स को ग्रो करने में थोड़ा सा फास्टेन अप करने के लिए एक पर्टिकुलर हार्मोन यूज किया जाता है, तो वो कौन सा हार्मोन है, उस हार्मोन का नाम क्या है? थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, तो इसका जवाब देख लेते हैं। उस हार्मोन को बोलते हैं आईबीए। नाउ व्हाट डज आईबीए स्टैंड्स फॉर? हार्मोडिन, ये आईबीए को हार्मोडिन भी बोलते हैं, और ये जो फॉर्मुलेशन है दैट इज मेड अप ऑफ इंडोल 3 ब्यूट्रिक एसिड। ठीक है, इसीलिए आईबीए शॉर्ट में। ठीक है, इंडोल 3 ब्यूट्रिक एसिड, ये एक सिंथेटिक ऑक्सिन रूटिंग हार्मोन है जो रूट स्टिम्युलेंट यानी कि रूट्स को ग्रो करने में हेल्प करता है। ठीक है, रूट्स को ग्रो करने में हेल्प करता है, रूट्स को इस्टैब्लिश होने में ज्यादा जो है फास्टन अप कर देता है, उसकी स्पीड बढ़ा देता है। ठीक है, तो आईबीए जो है आपका क्या है? रूट प्रमोटिंग हार्मोन। अब क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि आपसे पूछ ले कि व्हाट इज आईबीए, ठीक है, नीचे चार ऑप्शन दे दे, या आईबीए की फुल फॉर्म पूछ ले अगर उसको और ज्यादा डेप्थ में जाना है ना जी। चलिए तो आगे देखें, अब इससे आगे चलें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लावरिंग, फ्लावर सेटिंग हार्मोन। ठीक है, जो फ्लावर्स को ग्रो करने में हेल्प करता है, फ्लावर सेटिंग हार्मोन कौन सा होता है? प्लांट्स में फ्लावर सेटिंग हार्मोन कौन सा होता है? तो वो होता है बच्चों आपका NAA। तो NAA स्टैंड्स फॉर नेफथलीन एसिटिक एसिड। व्हाट डज NAA स्टैंड्स फॉर? नेफथलीन एसिटिक एसिड। ठीक है, अब ये जो आपका पर्टिकुलर हार्मोन होता है, ये भी एक सिंथेटिक प्लांट हार्मोन होता है, और ये पर्टिकुलर हार्मोन क्या करता है, जो जहां पर कॉमर्शियल प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं, फ्लावर्स को कॉमर्शियली सेल करने के लिए हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री में, वहां पर इसको यूज किया जाता है। इसको रूटिंग एजेंट की तरह भी यूज किया जाता है, जिससे ये प्लांट्स को हेल्प करता है उनकी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में। ठीक है, क्लियर है? NAA स्टैंड फॉर नेफथलीन एसिटिक एसिड। तो आपको ये भी इसकी थोड़ी सी फुल फॉर्म भी याद होनी चाहिए, जैसे अभी हमने पीछे आईबीए देखा या NAA देखा, तो आपको फुल फॉर्म जो है वो याद रखनी पड़ेगी थोड़ी सी। आप कंप्लीटली फुल फॉर्म्स को इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, किसी को कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई डाउट इसमें बताइए। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं आप। डिस्क प्लो इज यूज्ड व्हेन द सॉइल इज, ठीक है, तो आंसर आपको गिवन है टफ। ठीक है, जो आपका डिस्क प्लो होता है, कुछ इस तरह का आपका डिस्क प्लो दिखता है जो ट्रैक्टर्स में यूज किया जाता है, और ये उस सॉइल में यूज किया जाता है जो सॉइल को आपको कल्टीवेट करना मुश्किल होता है। ठीक है, कैसे, इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो डिस्क प्लो बेसिकली आपका उन रीजन में यूज किया जाता है जहां पर जो सॉइल है या सॉइल ब्रेकिंग है, सॉइल रेजिंग है, वो काफी ज्यादा टफ है, स्टोनी एरियाज हो गए जैसे आपके। ठीक है, जो पथरीले इलाके हैं वहां पर आपका नॉर्मल प्लो से जो है आप जमीन नहीं खोद पाओगे, उसको प्लो नहीं कर पाओगे, लेकिन डिस्क प्लो जो है इन स्टोनी एरियाज में या जहां पर डिफिकल्ट टेरेन है या रॉकी एरियाज है जहां पर, वहां पर ये आपको हेल्प करेगा। ठीक है, प्लोइंग में डिस्क प्लो इन ऐसे इलाकों में यूज किया जाता है। तो इमेज आप दोबारा से देख सकते हैं, इमेज आपके दिमाग में चिपक जाएगी, तो आप देख रहे हो कि इसको इस तरह से बनाया गया है कि ये जो रॉकी और टफ टेरेन्स है वहां पर इजीली काम कर सके। ठीक है ना बच्चों, चलो नेक्स्ट। फर्स्ट मैनमेड सीरियल इज, पहला इंसान ने जो सीरियल बनाया वो कौन सा था? कोई इसका आंसर देगा? आता है किसी को? फर्स्ट मैनमेड सीरियल इज, बताइए, ट्राई करो आंसर करने का। ओके, अमोल ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। चलिए तो आंसर देख लेते हैं इसका बच्चों क्या है। इसका आंसर है ट्रिटिकेल।
ठीक है। तो ये पहला मैनमेड सीरियल है, कुछ ऐसा ये देखने में दिखता है आपको जो आपके सामने इमेज है। तो ये हाइब्रिड है वीट और राई का, और इसको लेबोरेटरीज में बनाया गया था 19th सेंचुरी में, स्कॉटलैंड और जर्मनी में मेन इसकी प्रोडक्शन थी। ठीक है, स्कॉटलैंड और जर्मनी में मेन इसकी प्रोडक्शन थी। बिल्कुल फैक्चुअल सा क्वेश्चन है, ज्यादा डिटेल में ये नहीं पूछा जाएगा। ज्यादा से ज्यादा जिस तरह से मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि फर्स्ट मैनमेड सीरियल क्या था, तो उसी तरह से पूछा जाएगा, और ज्यादा इसकी डिटेल में नहीं जाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अब हम कुछ बातें करेंगे बच्चों एग्रोनॉमी में ही जो आपका एक टॉपिक आता है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है, तो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन से रिलेटेड हम आप कुछ सवाल जवाब देखेंगे। तो ये रहा आपका पहला सवाल, अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस विच डील्स विद द प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ सॉइल वाटर एंड क्रॉप मैनेजमेंट, उसको क्या कहते हैं? ये तो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं। ठीक है, बस मैं टेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग कल कितने ज्यादा एक्टिव थे, कल वाली क्लास के लिए, कल वाली क्लास के लिए आप कितने ज्यादा एक्टिव थे बताइए। इसका आंसर मैं एक्सपेक्ट करूंगा जिन जिन बच्चों ने कल वाली क्लास देखी थी वो तो इसका आंसर बिल्कुल सही से दे ही देंगे। चलिए बोलिए क्या आंसर है इसका। ओके, अमोल हैज अगेन आंसर्ड इट फर्स्ट, एंड अमोल वेरी नाइस, आप अच्छे आंसर्स दे रहे हैं। चलिए तो इसका बच्चों क्या आंसर है, एग्रोनॉमी। तो हमने कल एग्रोनॉमी की डेफिनेशन देखी थी कि इट इज अ टाइप ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस जो डील करती है कि कैसे सॉइल वाटर या क्रॉप, यानी कि एग्रीकल्चर मैनेजमेंट के, अगर मैं सिंगल टर्म यहां पर यूज कर दूं, सिंगल टर्म मैं यहां पर यूज करूं, तो मैं कौन सी टर्म यूज करूंगा बच्चों, एग्रीकल्चरल मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर मैनेजमेंट। ठीक है, तो एग्रीकल्चर मैनेजमेंट की ही बात हो रही है ना यहां पर, कि भाई सॉइल को मैनेज करना है, वाटर को मैनेज करना है, क्रॉप को मैनेजमेंट करना है, तो सारी वही बातें हो रही हैं, तो इसीलिए एग्रोनॉमी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, क्रॉप्स विच आर कल्टीवेटेड ऑन प्लॉट लैंड, जिन क्रॉप्स को प्लॉट लैंड पे कल्टीवेट करते हैं उन क्रॉप्स को क्या कहते हैं? ठीक है, तो उन क्रॉप्स को कहा जाता है एरेबल क्रॉप्स। ठीक है, एरेबल क्रॉप्स बेसिकली आपकी क्या होती है बच्चों, एरेबल क्रॉप्स आपकी वो होती है जो आप डिस्क्राइब कर सकते हो कि लैंड एज एरेबल, जहां पर आप कुछ ग्रो कर सको। अगर बंजर जमीन है, अगर वहां पर कल्टीवेशन हो ही नहीं सकती, तो आप क्या कहोगे कि दैट इज अ नॉन एरेबल लैंड या नॉन एरेबल एरिया। लेकिन यहां जहां पर आप कल्टीवेशन कर सको इजीली, उसको क्या बोलोगे, एरेबल लैंड या एरेबल एरिया। ठीक है, अब इस तरह के बेसिक क्वेश्चन कई बार ऐसा होता है कि आपको लग रहा होगा कि सर ये क्या हलवा क्वेश्चन है, पर ये हलवा क्वेश्चन नहीं है। ये इस तरह के क्वेश्चन आप पेपर को एनालाइज करो नबार्ड के, तो इस तरह के बेसिक क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, और बच्चा ऑप्शन ऐसे दिए जाते हैं, ऑप्शन इतने टफ दिए जाते हैं कि बच्चा वहां पर कंफ्यूज हो जाता है। तो वो कंफ्यूज आप ना हो, इसीलिए हर टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आएगा। चलिए नेक्स्ट, अगर अब हम बात करें, यहां पर आपसे एक सवाल पूछा गया है, एन एग्रोफॉरेस्ट्री प्रैक्टिस इन विच पेरिनियल प्रेफरेबली लेग्यूमिनस ट्रीज और श्रब्स आर ग्रोन साइमल्टेनियसली विद द एरेबल क्रॉप्स। यानी कि इसमें बेसिक फंडा क्या होता है, यहां पर अब आप आंसर देने से पहले इमेज देखो। अब इमेज में क्या दिख रहा है आपको, कि क्रॉप लगाई हुई है, खेती बाड़ी की हुई है, उसके साथ पेड़ लगाए हुए हैं उसकी साइडों पे। तो ऐसी जो एग्रोफॉरेस्ट्री टर्म भी इसके लिए यूज करते हैं, लेकिन इस प्रैक्टिस को आप अगर टेक्निकल लैंग्वेज में मैं थोड़ा सा जाऊं तो क्या बोलते हैं, ये जो एग्रोफॉरेस्ट्री प्रैक्टिस है जिसमें दो लाइन जो है क्रॉप की लगा दी और फिर दो साइडों में पेड़ लगा दिए, फिर दो लाइन क्रॉप की लगा दी, है ना, बफर हो रहा है। तो वैशाली एक बार आप अपने एंड पर रिफ्रेश कर लो, यहां पर सब जो है प्रॉब्लम नहीं है हमारे एंड पर, आई कैन सी दैट। आप अपने एंड पर एक बार इसको रिफ्रेश कर लीजिए। ओके, अमोल ने अगेन आंसर दिया, अमोल वेरी नाइस। चलिए तो अमोल ने बिल्कुल इसका सही आंसर दिया है। इसको क्या बोला जाता है बच्चों, इसको बोला जाता है एले क्रॉप्स या फिर हेज रॉ इंटरक्रॉप्स। ठीक है अमोल, तो एक तो आपने बता दिया बिल्कुल सही कि एले बोला जाता है, दूसरा जो है इसमें दूसरा टर्म इसके लिए क्या यूज किया जाता है, हेज रॉ इंटरक्रॉप्स। ठीक है, हेज रॉ इंटरक्रॉप्स इसको बोला जाता है। अब बेसिकली एले क्रॉप्स क्या होता है, प्लांटिंग रोज ऑफ ट्रीज एट वाइड स्पेसिंग विद अ कंपेनियन क्रॉप। ठीक है, तो ये अभी हमने इमेज में सारा समझ ही लिया है। अब एले क्रॉप्स क्या होते हैं, एक तो ये फार्म इनकम को डाइवर्सिफाई कर देते हैं, फार्मर को कैसे हेल्प करते हैं कि भाई खेती तो वो कर ही रहा है, कुछ ना कुछ प्रोड्यूस तो वो करेगा ही, उसके साथ साथ वो उन ट्रीज का टिम्बर यूज कर सकता है मार्केट में सेल करने के लिए। ठीक है, और इससे क्रॉप प्रोडक्शन भी इंप्रूव होती है और कंजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट में भी ये हेल्प करता है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट, अब आपसे पूछा गया है क्रॉप्स विच आर ग्रोन टू सप्लीमेंट द यील्ड ऑफ द मेन क्रॉप। ठीक है, क्रॉप्स विच आर यूज टू सप्लीमेंट द यील्ड ऑफ द मेन क्रॉप्स, बताइए उनको क्या बोलते हैं, उन पर्टिकुलर क्रॉप्स को क्या बोलते हैं जो मेन क्रॉप, दो क्रॉप एक साथ उगाई जा रही हैं, एक तो आपकी मेन क्रॉप हो गई, दूसरी आपकी सप्लीमेंट क्रॉप हो गई, तो उस पर्टिकुलर क्रॉप को क्या बोलते हैं,
उसको बोलते हैं बच्चों ऑगमेंट क्रॉप्स, ठीक है, ऑगमेंट क्रॉप्स। यानी यहां पर जैसे आप इमेज में देख रहे हो कि एक लाइन में एक क्रॉप है, एक लाइन में दूसरी क्रॉप है, एक आपकी इसमें मेन क्रॉप होगी जहां से फार्मर की मेन इनकम जनरेट होगी, और दूसरी उसकी सप्लीमेंट क्रॉप है कि अगर भैया किसी तरह से यील्ड इस पर्टिकुलर क्रॉप का कम हो गया तो वो दूसरी साइड से हेल्प ले लेगा। ठीक है जी, तो किसी को यहां तक कोई डाउट है, कोई इश्यू है तो बोलिए, बोलो बोलो जल्दी बोलो, किसी को इसमें कोई इश्यू है तो। हाँ जी, कोई इश्यू है इसमें किसी को? ओके चलो, तो ऑगमेंटेड क्रॉप्स की आप देखो अगर डेफिनेशन, नहीं ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, क्रॉप्स विच प्रोटेक्ट अनदर क्रॉप फ्रॉम ट्रेसपासिंग ऑफ एनिमल्स और रेस्ट्रिक्ट द स्पीड ऑफ विंड आर मेनली ग्रोन एज बॉर्डर। ठीक है, ऐसी कौन सी क्रॉप्स होती हैं जिनको बॉर्डर में, जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल ये आपका एक फार्म है, ठीक है, फार्म के बॉर्डर पर उस क्रॉप को लगा दिया ताकि अगर जानवर घुसते हैं खेत में तो जानवर इसी एरिया में रुक जाएं, ठीक है, या फिर अगर तेज हवाएं चलती हैं एकदम से, वेदर खराब होता है तो वो भी उसमें हेल्प कर सके मेन क्रॉप को बचाने के लिए। तो इस तरह की क्रॉप्स को क्या बोला जाता है, जो क्रॉप्स आपकी मेन क्रॉप को प्रोटेक्ट करने के लिए लगाई जाती हैं। ओके, तो क्या बोलते हैं इनको बच्चों, इनको बोला जाता है मेनली बॉर्डर या गार्ड क्रॉप्स। इनको क्या बोलते हैं, बॉर्डर या गार्ड क्रॉप्स इनको बोलते हैं, बॉर्डर और गार्ड क्रॉप्स, अमोल बॉर्डर या गार्ड क्रॉप्स बोलेंगे इनको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपके सामने आ गया ये, क्रॉप्स विच आर कल्टिवेटेड टू कैच द फोर्थ कमिंग सीजन व्हेन मेन क्रॉप इज फेल्ड। ठीक है, अगर आपकी मेन क्रॉप फेल हो गई, अब किसान को कुछ तो कमाना ही है, तो कौन सी क्रॉप वो कल्टीवेट करे ताकि उसको आने वाले सीजन में मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके, उस पर्टिकुलर ऐसी क्रॉप को क्या बोलते हैं। मेन क्रॉप फेल हो गई, अब आने वाले सीजन में वो अच्छे से कुछ अर्न कर सके तो वो एक क्रॉप लगाएगा, उस क्रॉप को क्या बोलते हैं। चलिए, तो उस पर्टिकुलर क्रॉप को क्या बोला जाता है बच्चों, कैच और कॉन्टिंजेंट क्रॉप्स। क्या बोला जाता है, कैच और कॉन्टिंजेंट क्रॉप्स। वेरी नाइस अमोल, अगेन यू हैव गिवन द राइट आंसर, बट कैच के साथ साथ इसको कॉन्टिंजेंट क्रॉप भी बोला जाता है। कई बार एग्जामिनर क्या करता है कि कैच क्रॉप ऑप्शन में नहीं देगा, अगर इस तरह का सवाल आपसे पूछ लेगा तो कैच क्रॉप ऑप्शन में नहीं देगा, ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ आपको कॉन्टिंजेंट क्रॉप दे देगा। ठीक है, तो आपको दोनों नाम पता होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट अब आपके सामने आ जाता है, अ क्लोज ग्रोइंग क्रॉप ग्रोन प्राइमरली टू इंप्रूव एंड प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम इरोजन थ्रू देयर ग्राउंड कवरिंग फॉइलेज एंड रूट मैट्स बिटवीन पीरियड ऑफ रेगुलर क्रॉप प्रोडक्शन। इनमें से कौन सी क्रॉप है जो क्लोजली ग्रो की जाती है ताकि सॉइल इरोजन को रोका जा सके लैंड के, बताइए कोई इसका आंसर देगा। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए एक बार। गुड आफ्टरनून देवेंद्र, बताइए आंसर देगा कोई इसका। हां जी, नर्स। चलिए, तो क्या आंसर है बच्चों इसका, इसका आंसर है आपका कवर क्रॉप्स। ठीक है, तो ये कवर क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं ताकि सॉइल इरोजन को रोका जा सके और ग्राउंड को कवर भी कर लेती हैं एक तरह से। ठीक है, चलिए, हाय किरण, चलो नेक्स्ट देखो। अब नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, व्हेन बोथ मेन एंड इंटर क्रॉप इज बेनिफिटेड टू ईच अदर, मेन क्रॉप और इंटर क्रॉप दोनों को एक दूसरे से फायदा हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, दोनों क्रॉप्स को एक दूसरे से फायदा हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे। फायदा कैसे, कि फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर क्रॉप ने न्यूट्रिएंट रिचार्ज में हेल्प कर दिया, जैसे आपके लेग्यूमिनस क्रॉप्स होते हैं वो क्या करते हैं कि भाई न्यूट्रिएंट्स को रिचार्ज करने में, नाइट्रोजन को रिचार्ज, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, तो इन पर्टिकुलर क्रॉप्स को क्या बोला जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप्स, क्योंकि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही है, एक दूसरे की हेल्प कर रही है। ठीक है, इनको क्या बोला जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप्स। ओके चलो,
और कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप्स के आपके एग्जाम्पल आ जाते हैं, जैसे कोकोनट और पेपर को एक साथ ग्रो किया जाता है, सोरगम और लैबलैब को, मेज और क्लाइंबिंग बीन्स को। तो ये सारी जो आपकी क्रॉप्स हैं, व्हाट काइंड ऑफ क्रॉप्स दीज आर योर कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप्स, ठीक है, ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं, सो दीज आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप्स। ओके, किसी को यहां तक कोई डाउट है तो पूछो जल्दी से, इससे पहले हम आगे चलें। अगर क्लास की स्पीड फास्ट लग रही है, स्लो लग रही है, कुछ बोलना है समझ नहीं आ रहा, पढ़ाने के तरीके में गड़बड़ लग रही है, ऐसा लग रहा है कि सर गलत पढ़ा रहे हो, कुछ भी पढ़ा रहे हो, तो रिस्पेक्टफुली यू कैन टेल दैट कि हाँ सर यहां पर यह प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको रेक्टिफाई कर देंगे। डाउट था किसी को? ओके, गुड इवनिंग, वेयर आर यू सर? मैं देख रहा था कि किसी को डाउट है कि नहीं, बफरिंग हो रहा है, तो आप अपने एंड पर रिफ्रेश करो, हमारे एंड पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे एंड पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंटरनेट एकदम बढ़िया चल रहा है, नबार्ड ग्रेड भी आ जाएगा दो महीने में मेरे ख्याल से जो है नबार्ड ग्रेड भी आ जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं, यहां पर किसी ने कोई डाउट पूछा नहीं हुआ, तो नेक्स्ट आपके सामने आ गया ये, एनी क्रॉप और कॉम्बिनेशन ऑफ क्रॉप्स इज ग्रोन फॉर ग्रेजिंग और हार्वेस्टिंग फॉर इमीडिएट और फ्यूचर फीडिंग टू लाइफ स्टॉक। क्वेश्चन समझ गए कि भैया जो है ग्रेजिंग के लिए, यानी कि जो जानवर है किसान के पास, उन जानवरों के खाने पीने की व्यवस्था के लिए कोई क्रॉप उगाई गई है। फॉर एग्जांपल यहां पर हम आपके सामने ये एक इमेज है, देख रहे हो कि गायों को छोड़ा गया है कि लो भैया खुले आम खाओ, मजे करो एकदम। तो क्या हो रहा है अब यहां पर, ये एक कल्टीवेबल लैंड में इस तरह से ग्रास जो है वो ग्रो कर दी जाती है, ताकि जो है जो लाइफ स्टॉक है उसको फीड किया जा सके, ठीक है, लाइफ स्टॉक को फीड किया जा सके। तो इस पर्टिकुलर क्रॉप को क्या कहते हैं, इस पर्टिकुलर क्रॉप को क्या कहते हैं, तेजपाल। वाह तेजपाल, बहुत ही बढ़िया आंसर दिया, चलिए बहुत ही बढ़िया आंसर, तो देख लेते हैं तेजपाल ने एकदम इसका सही आंसर दिया, तो इसका आंसर है ले क्रॉप्स। तो इन पर्टिकुलर क्रॉप्स को क्या बोला जाता है बच्चों, ले क्रॉप्स इनको बोला जाता है, ठीक है। अब अगर आप देखो ले फार्मिंग की अगर डेफिनेशन हम देखें, ले फार्मिंग इज अ सिस्टम इन विच ग्रासेस एंड लेग्यूम्स आर कल्टिवेटेड इन प्रॉपर रोटेशन फॉर हे सिलेज एंड पैश्चर टू मीट मैक्सिमम लाइफ स्टॉक नीड्स। लाइफ स्टॉक नीड्स को मीट करने के लिए जो है ये पर्टिकुलर फार्मिंग की जाती है, और इससे सॉइल फर्टिलिटी में भी हेल्प होती है। मेन क्रॉप ना ग्रो करके उस लैंड को थोड़े समय के लिए लाइफ स्टॉक क्रॉपिंग के लिए यूज करके या ले क्रॉप फार्मिंग के लिए यूज करके वो जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है मेन क्रॉप्स में, उसमें भी हेल्प करता है। क्लियर है? अच्छा सवाल था कि नहीं था? और इसी तरह के सवाल आपके नबार्ड में पूछे जाते हैं, ठीक है। और नबार्ड की बात क्या करें, सिर्फ अगर हम देखें तो इस तरह के क्वेश्चंस आपका जो आईबीपीएस का एएफओ का पेपर होता है, ठीक है, आईबीपीएस का एएफओ का पेपर होता है, उसमें भी आ जाते हैं। उसके अलावा अगर आपका ग्रेड भी होगा उसमें भी कहीं ना कहीं इस तरह के सवाल कई बार पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो आप लोगों की जो है प्रिपरेशन दूसरे लेवल्स पर भी हो जाएगी। ओके चलिए अब आगे चले, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका, सच क्रॉप्स आर ग्रोन टू कंजर्व द सॉइल मॉइस्चर थ्रू देयर ग्राउंड कवरेज फॉइलेज, ठीक है। ये जो क्रॉप्स हैं ये कंजर्व करती हैं सॉइल मॉइस्चर को, सॉइल का जो मॉइस्चर होता है, जो नमी होती है मिट्टी की, उसको कंजर्व करने में हेल्प करती है थ्रू देयर ग्राउंड कवरिंग फॉइलेज। बताइए इसका क्या आंसर होगा, ग्राउंड कवरिंग फॉइलेज।
लेकिन एग्रीकल्चर पीपल के लिए भी तो एग्रीकल्चर नॉलेज, हमारे जो कॉलेजों में नॉलेज मिलती है वो एग्रीकल्चर सारा अच्छे से पता होता है क्या? और एग्जाम लेवल के लिए तो जो एग्रीकल्चर के लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको एएफओ में हेल्प हो जाएगा वैशाली। चलिए तो क्या बोलते हैं उनको, बिल्कुल आप लोगों ने सही आंसर दिया है, उनको बोला जाता है मल्च क्रॉप्स। ठीक है, इस तरह से उसको स्प्रेड कर, बेसिकली मल्च क्रॉप्स में फंडा क्या होता है, जो आपकी कटाई हुई, जो पिछली फसल जो आपकी पक गई थी उसकी कटाई हुई, अब उसकी कटाई कर जो जिसको आप क्या बोलते हो, फॉर एग्जाम्पल यहां पर आप एक्सप्लेनेशन अगर इसकी देखो, एक्सप्लेनेशन इसकी नहीं है, तो बेसिकली जो आपका हार्वेस्ट बच गया जो यूजेबल नहीं है उसको स्प्रेड कर दिया जाता है ग्राउंड के ऊपर, ताकि उसको एज अ सॉइल मॉइस्चर रिजर्वेशन के लिए उसको यूज किया जा सके। ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट देखें, द सीड ऑफ सक्सीडिंग क्रॉप्स इज सोन ब्रॉडकास्ट एट 10-15 डेज बिफोर हार्वेस्टिंग राइस क्रॉप। मतलब कि चावल आपका पूरा पक गया, लेकिन उसको काटने से पहले, उसकी कटाई करने से पहले 10-15 दिन पहले ही दूसरे बीज बो दिए जाते हैं। ठीक है, तो वो क्या सिस्टम होता है बच्चों, उसको बोला जाता है पैरा या यूटेरा क्रॉप्स। उसको क्या बोला जाता है, पैरा या यूटेरा क्रॉप्स। ओके, चलिए, तो यूटेरा क्रॉपिंग इज द सोइंग ऑफ द नेक्स्ट क्रॉप सीड्स बिफोर हार्वेस्टिंग ऑफ स्टैंडिंग पेडी क्रॉप। बेसिकली पेडी क्रॉप के लिए इसको यूज किया जाता है, इन ऑर्डर टू यूटिलाइज मॉइस्चर एफिशिएंटली, जो सॉइल में ऑलरेडी जो मॉइस्चर अवेलेबल है उसको यूटिलाइज किया जा सके अंडर रेनफेड एग्रो इकोसिस्टम। और बेसिकली जहां पर रेनफेड है, यानी कि बारिश के आधार पर जो है, बारिश के ऊपर डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर, जहां पर इरीगेशन प्रैक्टिसेस है, जहां पर इरीगेशन सिस्टम प्रॉपरली डेवलप्ड है, वहां पर तो आप ऑलरेडी जो है इरिगेशन की मदद से दोबारा से मॉइस्चर लेकर आ सकते हो जमीन में। लेकिन जहां पर रेनफेड है, जहां पर बारिश के ऊपर डिपेंडेंट है, वहां पर ताकि उसको जो मॉइस्चर है उसको यूज किया जा सके, 15-20 दिन पहले ही जो है कल्टीवेशन कर दी जाती है। लेकिन अब आपको यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि जो आपकी यूटेरा क्रॉपिंग होती है दैट इज ओनली अडॉप्टेड इन राबी सीजन, यानी कि ये खारिफ में नहीं होता। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ राबी सीजन में जो है ये यूज किया जाता है, दिस स्टाइल ऑफ फार्मिंग इज यूज्ड ओनली इन राबी। तो अगर इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई कौन से सीजन में यूज किया जाता है, कि भाई राबी में यूज किया जाता है, खारिफ में यूज किया जाता है, जैद में यूज किया जाता है, या तीनों सीजन में यूज किया जा सकता है, तो आप कह देंगे कि सिर्फ राबी में यूज किया जा सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पेयर्ड रो सिस्टम ऑफ प्लांटिंग। अब एक यहां पर कंसेप्ट आ गया पेयर्ड रो सिस्टम ऑफ प्लांटिंग, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये पेयर्ड रो सिस्टम ऑफ प्लांटिंग क्या है। कोई आप में से बताना चाहेगा कि क्या होता है पेयर्ड रो सिस्टम ऑफ प्लांटिंग? पेयर्ड रो सिस्टम ऑफ प्लांटिंग, चलिए तो देखें इसका क्या आंसर है बच्चों, इसका आंसर होगा पेयर्ड। अब होता क्या है पेयर्ड रो सिस्टम में, दो रोज में एक साथ क्रॉप्स लगाई जाती हैं। ठीक है, दो लाइनों में क्रॉप लगाई जाएगी, बिल्कुल क्लोज, ज्यादा डिस्टेंस पे नहीं। ठीक है, मान लो कि 60 सेंटीमीटर का गैप है। फॉर एग्जाम्पल अगर अब आप यहां पर बोर्ड पर देखो, अभी मैं आपको इसकी एक इमेज भी दिखा देता हूं, चलो पहले इमेज ही दिखा देता हूं, ठीक है, तो आपको ज्यादा बेटर समझ आएगा। अब यहां पर आपके सामने इमेज है, तो आप देख रहे हो कि दो लाइनों में एक साथ लगी हुई है, उनमें ज्यादा गैप नहीं है, उनमें कितना गैप होता है, 50-60 सेंटीमीटर का गैप होता है। फिर दो को इकट्ठे के बाद बीच में थोड़ा ज्यादा गैप दे दिया जाता है, आप देख रहे हो कि दो लाइनें एक साथ हैं, उसके बाद थोड़ा ज्यादा गैप दिया गया है, वो अराउंड 120 सेंटीमीटर से ऊपर का गैप होता है। तो ये गैप जो है ये रखा जाता है, और इसी को क्या बोलते हैं आप, जो आपने अभी हमने कंसेप्ट देखा पीछे, पेयर्ड रो सिस्टम ऑफ प्लांटिंग। ठीक है, तो दो रोज को एक साथ रखा गया और फिर उसके बाद जो है गैप जो है थोड़ा बड़ा कर दिया गया। जो पेयर्ड रोज है, मतलब कि जो एक साथ है, उनमें कितना डिस्टेंस होता है, उनमें 60 सेंटीमीटर का गैप होता है, और उसके बाद जो ज्यादा गैप होता है दैट इज 120 सेंटीमीटर, यानी कि 120 सेंटीमीटर का गैप होता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जो रोज पर हेक्टेयर आती है वो मोर और लेस सेम ही आती है। क्योंकि नॉर्मल एग्रीकल्चर में क्या होगा कि फॉर एग्जांपल नॉर्मली आपकी क्रॉप्स ऐसे ऐसे लगाई जा रही हैं 80 सेंटीमीटर के गैप पे। ठीक है, तो उसमें इतनी लाइन आपकी लाइंस आ गई, लेकिन अब इस वाले सिस्टम में क्या कर दिया, पेयर्ड रो सिस्टम ऑफ प्लांटिंग में दो रोज के बीच में तो गैप बिल्कुल कम कर दिया,
फॉर एग्जाम्पल 60 सेंटीमीटर कर दिया या 50 सेंटीमीटर कर दिया और उसके बाद नेक्स्ट दो रोज के बीच का जो गैप है वो बढ़ा दिया, तो बात जो है मैथमेटिकली आप देखो तो एरिया सेम रहता है, कवरेज सेम रहती है ना। तो कंसेप्ट समझ आ गया ये वाला कि पेयर्ड रो सिस्टम ऑफ प्लांटिंग क्या होता है? किसी को कोई डाउट है इसमें? ओके, इरफान ने बिल्कुल सही बताया था, रिमूवल नहीं होता जलज, यू कैन नॉट से कि रिमूव कर दिया क्रॉप को, किसी क्रॉप को रिमूव नहीं किया जाता। बताइए मेन एग्जाम कितने दिन बाद होता है? मेन एग्जाम आप लगाकर चलो कि रिजल्ट आने के 20 दिन का टाइम होता है, तो आपका रिजल्ट 10 से 15 दिन में आता है, उसके 20 डेज बाद आप मेन एग्जाम्स जो है सत्यम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। किसी को इस क्वेश्चन में कोई डाउट है, इस कंसेप्ट में कोई डाउट है? पेयर्ड रो सिस्टम ऑफ प्लांटिंग का कंसेप्ट समझ आ गया? बोलो, कंसेप्ट समझने में इसमें कोई डाउट है? ओके चलो नेक्स्ट अब बात करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने आ गया, सच क्रॉप्स आर नीदर कॉम्प्लीमेंट्री नर कॉम्पिटेटिव, ना तो ये कॉम्प्लीमेंट कर रही ना ये कॉम्पिटिशन में है। ठीक है, कॉम्पिटिशन में हम कब कह देते हैं कि भैया अगर ये कॉम्पिटिशन में होती तो किसी दूसरी क्रॉप को नुकसान पहुंच रहा है, पर इससे इसके होने से ना तो किसी दूसरी क्रॉप को जो है फायदा मिल रहा है ना नुकसान मिल रहा है। नीदर द क्रॉप इज बींग बेनिफिटेड, द मेन क्रॉप इज नॉट बींग बेनिफिटेड नर इट इज बींग हार्म्ड, तो ऐसी क्रॉप को क्या कहते हैं? ऐसी क्रॉप्स को क्या कहते हैं? ओके, जलज ने इसका बिल्कुल सही आंसर दिया है और जलज का आंसर है सप्लीमेंट्री क्रॉप्स। तो सप्लीमेंट्री क्रॉप्स ही इनको बोला जाता है। अगर आप इसकी डेफिनेशन देखो तो सर्टेन एग्रीकल्चर क्रॉपिंग सिस्टम्स इंटरेस्ट सेंटर्स ऑन ग्रोइंग अ पर्टिकुलर क्रॉप द मेन क्रॉप, इट मे बी दैट द यील्ड ऑफ द क्रॉप इज अनअफेक्टेड और इज अफेक्टेड टू अ स्मॉल डिग्री इफ अनदर क्रॉप अ सप्लीमेंटल क्रॉप इज ग्रोन। ठीक है, तो सप्लीमेंटल क्रॉप जो होती है आपकी, उससे जो मेन क्रॉप होती है उसको ना कोई नुकसान हो रहा ना उसको कोई फायदा हो रहा। नुकसान और फायदा कैसे? फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें कि भैया एक लेग्यूमिनस क्रॉप आपने लगा दी, तो लेग्यूमिनस क्रॉप आपने इसीलिए लगाई थी ताकि जो लैंड है उसका जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प कर सके। ठीक है, और जो दूसरी जो आपकी मेन क्रॉप है उसको प्रॉपर नाइट्रोजन जो न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है वो मिलता रहे, पर आपने एक सप्लीमेंट्री क्रॉप लगा दी, वो ऐसा कोई काम नहीं कर रही। ठीक है, लेकिन वो कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा रही। ठीक है, वो कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा रही। चलिए, कोई डाउट है इसमें किसी को? चलिए, तो आज का अब एक लास्ट कंसेप्ट यहां पर समझेंगे बच्चों, वो रिलेटेड है आपका ट्रैप क्रॉप्स से। अभी ट्रैप क्रॉप्स क्या होती हैं? ये वो क्रॉप्स होती हैं जो मेन कैश क्रॉप के साथ आपके लगाई जाती हैं। ठीक है, मेन कैश क्रॉप के साथ एक आपकी जो है ट्रैप क्रॉप लगा दी जाती है और इसका काम क्या होता है कि ये मेन क्रॉप को प्रोटेक्ट करे पेस्ट से बचाने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ कि अब आपके घर में आपने जो है जमीन के नीचे खजाना छुपा रखा है और घर में आपने रूम में छोटी तिजोरी लगा दी। ठीक है, खजाने में आपने करोड़ों रुपए रख दिए और तिजोरी में आपने कुछ 1-2 लाख रुपए रखे हुए हैं, तो चोर आएगा, वो तिजोरी को खोलेगा उसको और जो है 2 लाख रुपए उसको मिल जाएंगे, वो खुशहाल होकर चला जाएगा कि लो बड़ा मजा आ गया। वो जमीन को नीचे देखेगा ही नहीं कि जमीन के नीचे कोई खजाना तो नहीं है। ठीक है, तो आपने उसको पहले ही लालच दे दिया कि भैया ये ले और तू जा। तो सिमिलरली ट्रैप क्रॉप जो होती है वो कीड़े जो होते हैं ना, जो पेस्ट होते हैं, उनको लालच देने का तरीका होता है। ठीक है, तो ट्रैप क्रॉप लगा दिए जाते हैं मेन क्रॉप के आजू बाजू बाउंड्री में कि जो कीड़े मकौड़े उनको खाने पीने आए, जो पेस्ट आए वो उसी के ऊपर उनका ध्यान लगा रहे और मेन क्रॉप उनका सेफ हो जाए। ठीक है, तो ये प्लांट इसीलिए किए जाते हैं, यानी कि एक तरह से इनकी कुर्बानी दी जा रही है, इनको आगे कर दिया कि ले भैया तू जा, हमारी मेन क्रॉप प्रोटेक्टेड रहनी चाहिए। ओके, तो ट्रैप क्रॉप्स अगर आप डेफिनेशन देखो, दोज क्रॉप्स विच आर प्लांटेड अलॉन्ग विद द मेन कैश क्रॉप टू प्रोटेक्टेड फ्रॉम स्पेसिफिक पेस्ट और सेवरल पेस्ट बाय अट्रैक्टिंग देम फॉर फीडिंग ब्रीडिंग एंड सर्वाइवल। ठीक है, पेस्ट भी खुश सारे खुश। ठीक है, चलिए जी, और ये जो क्रॉप्स होती हैं ये मेन क्रॉप के साथ जनरली प्लांट की जाती हैं, या तो इंटरक्रॉपिंग पैटर्न में या बॉर्डर के ऊपर। अब अगर आप यहां पर एग्जाम्पल देखने की कोशिश करें ट्रैप क्रॉप का, जैसे इरफान ने भी एग्जाम्पल इसका बिल्कुल सही दिया है, तो इरफान ने एग्जाम्पल जो दिया है वो अल्फा अल्फा का ही दिया है। ये स्ट्रिप्स में लगाया जाता है कॉटन के साथ,
ठीक है, तो कॉटन के साथ ये इसीलिए लगाया जाता है क्योंकि एक जो लाइगस बग होता है, वो लाइगस बग जो है वो अट्रैक्ट होता है इस पर्टिकुलर क्रॉप पे, कॉटन क्रॉप पे, तो इसीलिए अल्फा अल्फा लगा दिया जाता है ताकि जो लाइगस है वो कंफ्यूज हो जाए कि मैं कॉटन पर जाऊं या अल्फा अल्फा पर, और वो कंफ्यूज होकर अल्टीमेटली अल्फा अल्फा की तरफ चला जाएगा। या फिर टोबैको क्रॉप्स लगाए जाते हैं, ठीक है, टू प्रोटेक्ट कॉटन फ्रॉम बडवॉर्म हेलियोथिस। तो ये इतना डिटेल में आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको याद क्या रखना है कि अल्फा अल्फा जो है इट इज यूज एज अ ट्रैप क्रॉप विथ कॉटन, ठीक है, अल्फा अल्फा इज यूज एज अ ट्रैप क्रॉप विथ कॉटन। ओके, चलिए, तो यहां तक आज हमने ये कंसेप्ट्स देखने थे। आज का लेक्चर आपका थोड़ा सा छोटा है, ठीक है, क्योंकि आज मुझे थोड़ा टाइम कम मिला, लेकिन कल के लेक्चर में हम थोड़ा सा इसको जो आज का हमने कम कवर किया उसको और ज्यादा कवर कर लेंगे। अभी यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बोलिए, उसके बाद लेक्चर को एंड करते हैं। और अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो आप लेक्चर को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और प्लस मैं आपको बता चुका हूं, इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव और ईएसआई के अगर आप पेड कोर्सेज लेना चाहते हैं तो लिंक में अवेलेबल है, सिंगल सिंगल भी ले सकते हैं और कॉम्बो कोर्स भी ले सकते हैं। चलिए, कोई डाउट है किसी को तो बोलिए, बताइए जल्दी से, किसी को किसी भी तरह का डाउट है तो पूछ लो। और मेंस की तैयारी अपना पूरा जो है जोर लगाकर करनी शुरू कर दो, जितने बच्चे यहां पर जुड़े हुए हैं, ठीक है, बिल्कुल भी भावनाओं में नहीं बहना कि प्री होगा या नहीं होगा, प्री के बाद पढ़ूंगा या प्री के बाद पढ़ूंगी, उस कंफ्यूजन में नहीं रहना। अखिलेश, आई कॉल यू बैक, आई कॉल यू बैक, मेरे दिमाग से निकल गया था। इरफान, हम एग्रोनॉमी कर रहे हैं और कल हमारा पहला पार्ट था, आज ये दूसरा पार्ट था एग्रोनॉमी का। एग्रोनॉमी से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं और एग्रोनॉमी की एक बात ये है बच्चों की, एग्रोनॉमी में ना एक बात आपको जो याद रखनी है वो ये है कि एग्रोनॉमी में आपके और भी ज्यादा एग्रीकल्चर के कंसेप्ट आ जाते हैं, बिकॉज एग्रोनॉमी इज अ सिंथेसिस ऑफ अदर टॉपिक्स ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रोनॉमी में आपके बाकी के टॉपिक भी आ जाते हैं इसी वजह से। ओके, तो आई होप सबके डाउट्स क्लियर हैं यहां तक, किसी को कोई भी इशू तो नहीं है, कोई भी इशू है तो बता दो जल्दी से, कर देंगे उसको सॉल्व, टेंशन नहीं है। बाकी जिनको इशू नहीं है उनके लिए क्लास जो है वो ओवर हो चुकी है तो वो लोग जा सकते हैं, वो अपना टाइम वेस्ट ना करें। थैंक यू इरफान, बस आप तैयारी पूरा जोर लगाकर करो, जो है रिजल्ट बेस्ट दो, दैट विल बी द थैंक यू। ओके, टुमारो एग्रोनॉमी कवर करेंगे। देखो एग्रोनॉमी बाकी के जो टॉपिक्स हैं उनको जल्दी जल्दी भी निपटा सकते हैं, पर एग्रोनॉमी जो है वो बहुत मेजर टॉपिक है, तो इसीलिए जो है इसमें और ज्यादा थोड़ा सा टाइम देंगे ताकि अच्छे से कवर कर सकें। बाकी आपके पास ऑलरेडी अगर अभी भी किसी को डाउट हो, अखिलेश एक बार मेरे को अपना व्हाट्सएप कर देना या एसएमएस कर देना, शायद मेरे पास कॉल लिस्ट में आपका नंबर ना हो, ठीक है, तो अगर किसी को भी कुछ पूछना हो तो ये है नंबर, ठीक है, तो आप जो है कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, प्रेफरेबल रहेगा कि अगर आप व्हाट्सएप करेंगे, ठीक है, कॉल कई बार आंसर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है, और आप मेल भी कर सकते हैं मुझे, kgarg4@gmail.com पर। ओके, चलिए, तो आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं बच्चों, कल मिलेंगे सेम टाइम 3 बजे, कल लेट नहीं होगा, आज थोड़ा सा लेट हो गया था, मैंने बताया ना फंडा, तो ये जो आप सब आज एनिमेशन देख रहे थे तो मैं इसकी तैयारी में लगा हुआ था, तो आज मैंने सीख लिया इसको करना, तो अब कल से टाइम नहीं लगेगा, तो चलिए। हेलो सर, प्लीज में प्लेलिस्ट बन जाएगा, ठीक है, हॉलीडे मोस्ट प्रोबेबली आपका संडे को रहेगा, बाकी मैं आपको एक दिन पहले बता दूंगा, अगर किसी दिन हॉलीडे वाला जो इशू होगा वो मैं आपको एक दिन पहले ही बता दिया करूंगा लेक्चर में, वैशाली एक दिन पहले बता दूंगा कि अगले दिन छुट्टी होगी, टेंशन मत लो।
चलिए तो सेशन को खत्म करते हैं बच्चों, आई होप आप सबको मजा आया होगा। सो ऑल द बेस्ट एंड कल फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहना, रिवीजन पूरी जोर लगाकर करना। बाय बाय।